सर आज डी डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा एक मैच का क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया जा रहा है, क्या कुछ खास डी डेवलपमेंट कंपनी रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए क्या करती है, खेल के लिए क्या करती है? ये कार्यक्रम हम ऑलमोस्ट हर साल करते हैं, कोरोना के टाइम पे शायद 2 साल नहीं हुआ, अदरवाइज ये हर साल करते हैं और मेरे को लगता है 8-10 साल हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए और इसी महीने में हर साल करते हैं हम ये कार्यक्रम एक्चुअली। और ये हमारा फोकस रहता है कि एम्प्लॉई का वेलफेयर के लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करते रहें, और हमारी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉई वेलफेयर से रिलेटेड है, ये उनमें से एक स्कीम है। सर कोई संदेश देना चाहेंगे युवा उद्योगपतियों को और खास करके युवा वर्ग के जो कर्मचारी उनको? संदेश एक ही है, काम अपना मेहनत से करो, ऑनेस्टी से करो, और कोई संदेश नहीं है। मेहनत से करोगे, ऑनेस्टी से करोगे तो कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें आप फेल हो जाओगे, आप हमेशा सक्सेसफुल ही रहोगे, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है ऑनेस्टी और लगन के साथ काम करना चाहिए। काम कोई भी करो, पैशन के साथ काम करो अपना। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मेरा नाम एम मदाना है, मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ कंपनी में। तो हर साल हम ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट हैं अपनी कंपनी में करवाते हैं, कोविड के दौरान पिछले साल ये नहीं हो सका, तो कंपनी में हमने 8 टीमें बनाई हैं जिसमें हर टीम में 13 प्लेयर हैं, तो 104 प्लेयर टोटल हो गए। तो 7 मैच खेलते हैं हम, जिसमें से 6 मैच हम खेल चुके हैं, ये फाइनल इस समय आपके सामने ये मैच हो रहा है। जो टीम जीतेगी या जो रनर अप रहेगी, आप अगर मेरे राइट में देखें तो काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ रखी हैं, विनर की ट्रॉफी रखी है, जो कमेंटेटर है उसके लिए ट्रॉफी रखी है, बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी है, बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी है। तो जो भी विनर टीम रहेगी उनको ये बड़ी ट्रॉफी दी जाएगी और हर एक को शील्ड दी जाएगी, और विनर टीम के लिए 3100 रुपये कैश दिया जाएगा। जो रनअप रहेगी उनके भी सब बंदों को ट्रॉफी दी जाएगी और 2100 रुपये नकद कैश दिया जाएगा। जो आयोजन हो रहा है इसका खर्चा सारा कौन उठा रहा है? सारा खर्चा कंपनी उठाती है, एक किस्म से यूँ समझ लें कि ये टीम बिल्डिंग है जो रहती है। तो इसी तरह से हम ना इस मौके पे जो गरीब कन्याएं हैं बीपीएल परिवार से नीचे की, उनकी स्कूल भी फी भी रीइंबर्स किया करते हैं। इस बार हमने 43 गर्ल्स की फ़ी रीइंबर्स करनी है, जिसमें 32 के तो हम चेक दे चुके हैं, 11 अभी थोड़ी देर में अपने गार्डियंस के साथ आ जाएंगी, उनको चेयरमैन साहब के हाथ से ये जो फीस की रीइंबर्समेंट है ये करवाई जाएगी। कुल मिला के इसकी राशि तकरीबन 6 लाख रुपये हो जाती है इन बच्चियों की।